कुछ ऐसी ही तस्वीरें पानीपत से भी देखने को मिली। गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ग्रुप यहां भी सड़कों पर उतर आया। किसानों ने डाहर शुगर मिल से लेकर शहर भर में ट्रैक्टर रैली निकालकर रोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल यहां भी तैनात की गई थी। जिला अध्यक्ष सुधीर जाखर ने कहा कि ट्रैक्टर परेड करने का फैसला अचानक लिया गया था और हमें एक दिन का वक्त मिला था, जिसके बावजूद भी हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेलर है और सरकार को चेतावनी है, या तो गन्ने का मूल्य 450 रुपए कर दिया जाए या फिर आंदोलन जो है हर दिन तेज होता चला जाएगा। वहीं सुधीर जाखर ने यह भी कहा कि गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली का किसान विरोध करेंगे और उन्हीं के वाहनों में बीजेपी के झंडे लेकर पहुंचेंगे, अर्धनग्न अवस्था में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस रैली के लिए गोवा से बिच्छू और सांप मंगवाए गए हैं, तो विरोध का यह तरीका। भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ग्रुप का सीधे तौर पर कहना है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो अमित शाह की रैली में सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे, अर्धनग्न अवस्था में किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10 रुपए बढ़ाकर कोशिश की कि इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब तक कीमतों में 450 रुपए नहीं किए जाएंगे ये जो कीमत है, तब तक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसी कड़ी में पहले तस्वीर हमने आपको यमुनानगर की दिखाई, ये तस्वीर आप पानीपत की देख रहे हैं। यहां भी जो भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ग्रुप है वो ट्रैक्टर रैली करता हुआ दिखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका गया। किसानों से यह कहना चाहूंगा, मिलों के सामने बैठ लिए 29 तारीख को ट्रैक्टरों का मुंह मोटा भाई अमित शाह गृह मंत्री की गोहाना रैली के वहां करते सारी समस्याओं का समाधान वहां होगा। सुन ले, आज देख लिया होगा जमींदारों में किसानों में कितना उत्साह है। हम जो है 10 रुपए में नहीं मानेंगे, 450 से कम कोई कमरों भाई नहीं, 450 लेकर रहेंगे। आज जो लोग हमें किसानों में जो जुनून है वो आपने देख लिया होगा। हम जो है उल्टे हटने वाले नहीं है, लड़ेंगे जीतेंगे। आप मीडिया के साथी हो, आप खुद बताओ ट्रैक्टर मार्च कैसा चले? एक दिन का हमें जो है टाइम मिला, 23 को फैसला लिया कि 25 को परेड मार्च करेंगे। आज देख लो पूरे पानीपत शहर गन्ना किसानों ने भरना दिया हो, तो ये सरकार को चेतावनी है। सरकार 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव नहीं बढ़ाएगी तो हर दिन आंदोलन तेज होगा। आज हमने मुख्यमंत्री की सब यात्रा निकाल के पूरे शहर में भाई अंतिम दर्शन जिन्हें करने हो कर ले, शहर के बीच में घेर के फूके हैं। ये सरकार बाज आ जाए, कल हर रोज आंदोलन अब दूसरे फेज में चला गया। अब आंदोलन बहुत दिन बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। मैं किसान उत्पादक हूँ और ये देखिए जो बीजेपी और जेजेपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ अन्याय किया है, और ये पूरा एक महीने से लगातार जो हम दबाव बनाए हुए थे, आज मुख्यमंत्री ने अपनी बात टालने